हाय एवरीवन, आई एम करीमा फ्रॉम करंट क्रंच और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये हमारा फोर्थ मॉड्यूल है और इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पहले हम पढ़ेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं और एंटीवायरस क्या सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका बेसिक रोल क्या है और वो काम कैसे करते हैं। और हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देख पाएंगे कि कौन से हिस्ट्री में ऐसे वायरसेस हुए हैं जो बहुत हार्मफुल, अभी तक जिन्होंने बहुत हार्म किया है आईटी सेक्टर को, और कौन कौन से ऐसे एंटीवायरसेस हैं जो करंटली बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। सो कंप्यूटर वायरस होता क्या है, इफ़ वी विल गो विद द बेसिक डेफिनेशन, तो एक मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसको कि बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो आपका सिस्टम डैमेज कर सके और आपका सारा सिस्टम डिसरप्ट कर सके बाय स्प्रेडिंग फाइल्स या प्रोग्राम्स। तो ये ऐसी प्रोग्राम्स और ऐसे फाइल्स हैं जो बनाए इसीलिए गए हैं ताकि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज के उस कंप्यूटर की सारी सिस्टम्स को करप्ट, फाइल्स को करप्ट कर सके और सारा सिस्टम डैमेज कर सके। और ये कैसे एक्टिवेट होता है, लेट्स सपोज ये हम लोग किसी भी नॉर्मल फाइल के साथ, हम लोग नहीं मतलब, लेकिन जो हैकर्स या फिर जो ये वायरस स्प्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी फाइल के साथ कुछ फाइल्स को अटैच कर देते हैं और फिर वो जो आप एग्जिस्टिंग फाइल्स जो आप यूज़ करते हो, जब भी वो आप फाइल्स खोलते हो तो वो जो उसके साथ अटैच्ड वायरस होता है वो ओपन होकर सारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, सारी अपनी जो उसमें प्रोग्राम, आप ये कह लीजिए कि वो प्रोग्राम बनाया ही इसीलिए गया है कि वो आपका सिस्टम ख़राब कर दे। तो इट्स एक्चुअली नॉट समथिंग कि कुछ ख़राब हो गया, लेकिन वो एक प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम को ख़राब कर देगा, वो इसीलिए बनाया गया। अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कंप्यूटर आपका घर है और आपके घर में कोई चोर आ गया, और वो आया कैसे, ऐसे तो नहीं आ जाता, वो तो डाका होता है कि ऐसे कोई घर के अंदर आ गया, बट जैसे आपका कोई कोई ऐसा कोई आपका फ्रेंड बन के घर के अंदर आ गया, कोई आपके फादर के साथ मदर का फ्रेंड, कुछ ऐसे नोन बन के आपके घर के अंदर आ गया और फिर वो आपके पूरे घर को डैमेज या डिस्ट्रप्ट कर देगा। तो इसी तरीके का हमारा कंप्यूटर वायरस हम उसको बोलते हैं। और सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारे इन प्लेस होते हैं घर में, जैसे हमारे कैमराज हो गए हैं और भी अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम्स जिसके थ्रू हम किसी थीफ या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को जो हम अंदर नहीं आना देने चाहते उसको डिटेक्ट करते हैं, वो हमारा एंटीवायरस हो गया। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे एक एग्जांपल है वायरस की ब्रेन जो कि 1986 में आया था, और एक 2000 में आई लव यू करके एक वायरस आया था जिसने बहुत मल्टीपल मशीन्स को हार्म किया था। सो लेट्स गो टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। सो टाइप्स, व्हेन वी से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, तो वायरस बहुत सारे तरह के होते हैं। एक वायरस होता है जो कि आपका बूट सेक्टर वायरस होता है। बूट सेक्टर वायरस का मतलब है कि वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस का जो बूट रिकॉर्ड है, बूट मतलब जहाँ से जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, मतलब बिल्कुल बूट स्टार्ट करते हैं जब हम उसको, दैट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी पॉइंट जीरो आप कह लो, जब वो बिल्कुल स्टार्ट होता है वो उसी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है। जैसे जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टोर होती है कि जब भी तुम्हारा कोई पावर बटन दबाएगा तुमने ये फाइल्स को एक्सेस करना है। तो वो फाइल्स होती हैं बूट फाइल्स, मतलब वो कंप्यूटर जिनको सबसे पहले यूज़ करता अपने आप को स्टार्ट करने के लिए। तो बूट सेक्टर वायरस जो है वो उन्हीं फाइल्स को खराब कर देते हैं, उन्हीं फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं ताकि आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओ, आपका सिस्टम खराब हो जाता है। मतलब आप उसको पावर ऑन करते हो, आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होता, आप फिर किसी को कहते हो कि पता नहीं ये क्या हो गया, इसको ऑन ही नहीं हो रहा, स्क्रीन आती है और साथ ही में बंद हो जाती है। तो दैट इज व्हेन द वायरस हैज इन्फेक्टेड योर बूट रिकॉर्ड। सो व्हेन दोज आर बूट सेक्टर वायरसेस। इसकी एक एग्जांपल है, दिस इज द एग्जाम्पल। सेकेंड इज फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कि किसी फाइल के साथ, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होकर आते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी फाइल्स होती हैं, जिनकी .exe या .com एंड पे लगता है। आपने अगर आप कभी भी अपने कंप्यूटर को खोलो और उसमें सी ड्राइव में जाओ तो आपको उसके अंदर सी ड्राइव के अंदर बहुत सारी ऐसी फाइल्स मिलेंगी जो कि .exe होंगी। .exe एक्सटेंशन है, मतलब फाइल के पीछे लगाई जाती है, एक एक्सटेंशन है। तो इस एक्सटेंशन से हम डिटेक्ट करते हैं कि किस टाइप की फाइल है। जैसे हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं जिनकी एक्सटेंशन होती है .doc, कुछ फाइल्स की एक्सटेंशन होती है .exl, कुछ फाइल की एक्सटेंशन होती है .ppt। तो इन एक्सटेंशंस के साथ हमें पता लगता है कि ये फाइल कैसी फाइल है। .doc फाइल जो होती है वो डॉक्यूमेंट टाइप फाइल है। .exl एक्सेल की स्प्रेडशीट टाइप फाइल है। .ppt प्रेजेंटेशन स्लाइड है। वैसे ही .exe वो फाइल्स हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं, मतलब जो रन करती हैं और फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हैं। ये कंप्यूटर की अपनी फाइल्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होकर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि उसको क्या करना है। तो जो वायरस इन exe फाइल्स के साथ अटैच करके इधर उधर ट्रैवल करते हैं वो, उनको हम फाइल इन्फेक्टर वायरस बोलते हैं। मैक्रो वायरसेस वो वायरस होते हैं जो कि
हमारे डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट करते हैं या टेम्पलेट को इन्फेक्ट करते हैं विद मैक्रोज. तो मैक्रोज ऐसे, मैक्रोज आप कह लो, ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जिस इंस्ट्रक्शन को हम पहले एक फॉर्म में सेव करके रख लेते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शंस हमारे डॉक्यूमेंट्स या टेम्पलेट्स को इन्फेक्ट कर देती हैं. तो दोज आर माइक्रो वायरसेस. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरसेस. पॉलीमॉर्फिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिक का मतलब यही होता है कि जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है. पॉलीमॉर्फिक मतलब मल्टीपल शेप्स. तो जैसे लेट्स सपोज अगर आपके कैमरा ने, अगर आपके कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने उसको डिटेक्ट कर लिया है तो वो अपना कोड चेंज कर लेता है. मतलब वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है वो वायरस कि वो अपने आप को चेंज करता रहता है ताकि एक बार एंटीवायरस ने पकड़ लिया तो दूसरी बार नहीं पकड़ पाएगा. तो इट्स काइंड ऑफ अ स्मार्ट वायरस. उसके बाद रेजिडेंट वायरसेस होते हैं. रेजिडेंट वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके सिस्टम की मेमोरी में चले जाते हैं और फिर वो सारी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं. वो कोई बूट फाइल को इन्फेक्ट नहीं करते. बूट फाइल को, जैसे हमने बूटस्ट्रैप वायरस पढ़ा जो कि हमारी बूट फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है जिससे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता. तो रेजिडेंट वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो हमारी मेमोरी में बैठ जाते हैं और सारी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं. तो आपका कंप्यूटर चलता रहेगा लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे तो वायरस उधर ट्रैवल कर जाएगा. तो दैट इज काइंड ऑफ अ रेजिडेंट वायरस. नेक्स्ट इज मल्टीपार्टाइट वायरस. जो मल्टीपार्टाइट वायरस हैं दैट इज ये बोथ फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और बूट सेक्टर फाइल्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं. सो दोज आर मल्टीपार्टाइट वायरसेस. आपको सब इसकी एक एक एग्जांपल याद करनी है और कि कौन कौन से वायरसेस होते हैं. नेक्स्ट इज कि कैसे पता लगता है कि सिस्टम वायरस इन्फेक्ट हो गया है. तो फर्स्ट इज कि आप देखोगे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो गई है. सिस्टम मतलब हमारा जो पीसी है वो बहुत स्लो चल रहा है. पहले इतना स्लो नहीं चल रहा. देयर आर अदर रीजंस कि सिस्टम स्लो और भी वजह से चल सकता है. लेट सपोज अगर आपने उसके साथ मल्टीपल चीज़ें अटैच कर दी हैं, एक पेन ड्राइव लगा दी है, सीडी भी चल रही है, कोई प्रिंटर भी अटैच्ड है, मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज लगा दिए तो भी स्लो हो जाता है. बट वायरस वाला स्लो आप डिटेक्ट कर सकते हो. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्लो. आपका कर्सर हैंग होने लग जाता है और या फिर आपका कभी कभी सिस्टम क्रैश हो जाता है. आप राइट अवे काम कर रहे होते हो, एकदम से स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है या फिर कोई सडन मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि दिस फाइल इज करप्ट, दैट फाइल इज करप्ट, तो वो सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं. कभी कभी कुछ फाइल्स डिसअपियर हो जाती हैं. आप कोई फाइल को खोलते हो वो खुलती ही नहीं है, दैट मीन्स वो फाइल करप्ट हो गई है. और कभी कभी आपको समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है. कंप्यूटर बस ऐसे ही कुछ वियर्ड बिहेव करता है, जैसे अपने आप कोई फाइल पे काम करते करते वो बंद हो जाती है, अपने आप कोई फाइल ओपन हो जाती है बार बार. तो दिस इज सम अनयूजुअल बिहेवियर. ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपके वायरस, कुछ वायरस इन्फेक्ट कर गया है. वायरस इन्फेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कोई जर्म आ गया. बेसिकली उसका यही है कि कोई ना कोई फाइल जो हमारी ठीक थी कंप्यूटर में, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, उसका कोड चेंज कर दिया किसी और सॉफ्टवेयर ने जिसकी वजह से अब वो काम नहीं कर रही और आपका सिस्टम वैसे काम नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए. नेक्स्ट इज क्या क्या हो सकता है कंप्यूटर वायरस जब किसी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है. आपका डेटा लॉस हो सकता है, मतलब आपकी कोई फाइल्स हो सकती हैं जो परमानेंटली डिलीट हो जाएं या करप्ट हो जाएं जो कि आपको चाहिए हो. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो आप नहीं चाहते कहीं जाए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से कहीं बाहर जाना शुरू, मतलब कहीं सेंड या कोई स्टील कर लेता है वो इन्फॉर्मेशन. फाइनेंशियल डैमेज, समटाइम्स कोई डेटा रिकवरी या सिस्टम रिपेयर के साथ आपको फिर कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है. लेट्स अगर आपका डेटा सारा वाइप आउट हो गया है और आपको वो रिपेयर कराना है या डेटा रीस्टोर कराना है तो यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट. सो बेसिकली ये सारे वायरसेस के इंपैक्ट्स हैं. प्रोडक्टिविटी लॉस, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती बट सिस्टम इतना स्लो हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी स्लो हो जाती है दैट इट ऑल्सो अफेक्ट्स यू कि आपको काम करने में अपने सिस्टम पे मज़ा नहीं आ रहा. जो काम आप 1 घंटे में करते थे उसको 2.5 घंटे लग रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर इतना स्लो हो गया है. और कभी कभी अगर आपके, अगर आप कुछ ऐसा रन करते हैं जिसमें कुछ लोग, लेट्स सपोज आपका एक, आप JKSSB के किसी एग्जाम दे के कोई गवर्नमेंट रोल में बैठे हैं जहाँ पे आपके पास पब्लिक की बहुत इन्फॉर्मेशन है और अगर आपका डेटा लूज हो जाता है आपके किसी वायरस की वजह से तो लोग आपकी उस इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि इनकी थ्रू हमारा डेटा कहीं, लेट्स सपोज अ बैंक, अगर बैंक के पास हमारा कोई डेटा और बैंक को किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया है बैंक के सिस्टम्स को, तो आपकी सारी बैंक की इन्फॉर्मेशन कहीं और जा सकती है, तो एक ट्रस्ट लूज हो जाता है. सो दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. सो नाउ वी वर एट वॉट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव मालवेयर. तो बेसिकली वायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है और एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि जो ये वायरस या मालवेयर, हम वायरस को मालवेयर भी बोलते हैं,
तो उनसे डिटेक्शन उनको डिटेक्ट करे कि इसमें अगर मतलब कोई भी फाइल अगर मैं अपने कंप्यूटर में कॉपी करने लगी वो पहले ही मुझे बता दे कि ये फाइल सेफ है, या फिर प्रिवेंट करे अगर कोई आग भी गया और रिमूव करे अगर कोई आ भी गया वायरस मेरे सिस्टम में, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसको वाइप आउट कर सके, वो सारे सॉफ्टवेयर को हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है मतलब ऐसा कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे हम फाइल्स और प्रोग्राम्स को उन सारे नोन थ्रेट्स के लिए स्कैन करते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे हमारी सिक्योरिटी होती है, उनके उनके पास एक लिस्ट ऑफ नोन थ्रेट्स है। लिस्ट ऑफ नोन थ्रेट्स मतलब अगर किसी के पास चाकू है, अगर किसी के पास ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को चुभाई जा सकती हैं या कुछ भी ऐसा है, मतलब वो सारे उनके पास एक लिस्ट ऑफ नोन थ्रेट्स है जिनके लिए वो आपको चेक करते हैं कि आपके पास उन चीज़ों में से कुछ तो नहीं है। इसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको इनके पास एक लिस्ट है कि हमें किस किस चीज़ के लिए चेक करना है, मतलब हमें क्या क्या देखना है, अगर कुछ भी ऐसा है किसी फाइल के अंदर तो हमें उसको फ्लैग कर देना है। उसी तरह ये सारी फाइल्स को स्कैन करते हैं फॉर दोज नोन थ्रेट्स और देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो वो हमें हाईलाइट कर देते हैं कि ये दिस फाइल इज़ नॉट सेफ फॉर यूज़। ये हमें फ़ायदा क्या देते हैं, ये हमें रियल टाइम प्रोटेक्शन देते हैं और कॉन्टीन्यूसली हमारे सिस्टम को चेक करते रहते हैं। हमारे सिस्टम पे जब हम बार बार एंटीवायरस सिस्टम्स रन करते रहते हैं तो वो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद बताते रहते हैं कि आपका सिस्टम सेफ है, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप कोई हाई एंड वैसे तो हर हाई एंड जगह पे जहाँ पे हमारा बहुत डेटा है या जहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कोई वायरस इन्फेक्ट करने की फाइल्स को, वो वहाँ पे वो लोग हर रोज़ या फिर हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक तो बैकअप लेते रहते हैं सारे डेटा का कि अगर डेटा का कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो हमारे पास एक फॉल बैक हो, और उसके अलावा वो हर थोड़ी टाइम के बाद एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन करते रहते हैं जस्ट टू चेक कि सारा कुछ सेफ है, सारी फाइल्स ओके हैं, कोई भी वायरस हमारे सिस्टम में नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की, नॉर्टन, मैकैफी, कैस्परस्काई, ये कंपनीज के नाम हैं जिन्होंने ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं और वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेल करते हैं। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एक तो वो रियल टाइम स्कैनिंग करते हैं। रियल टाइम स्कैनिंग मतलब वो कॉन्टीन्यूसली हमारे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और देखते रहते हैं, हर फाइल को स्कैन करते रहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी फाइल में। हमारी हर इन्फॉर्मेशन हमें डेफिनेट वायरस की हर चीज़ें हमें अप टू डेट रखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन अगर कोई छोटी मोटी चीज़ भी है वो भी वो फ्लैग कर देते हैं। अगर उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उनको लगे इट्स मलिशियस, इट्स मैलवेयर, ये फ्लैग करनी है, तो वो उसको रिमूव भी कर देते हैं। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें कॉन्टीन्यूसली प्रोटेक्ट कर रही है इन सब चीज़ों से, तो वो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी सही कर रही है। ईमेल प्रोटेक्शन, आपने सुना होगा कि हमारे पास कुछ ऐसी ईमेल्स आती रहती हैं जो ईमेल्स हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर वो ईमेल्स जब हम खोलते हैं तो हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। उन ईमेल्स को हम स्पैम बोलते हैं, SPAM, स्पैम। तो ये उन सारी इनकमिंग और आउटगोइंग ईमेल्स को भी स्कैन करता रहता है कि हमारे सिस्टम में कोई ऐसी ईमेल ना आ जाए, या फिर कुछ अगर आ भी गया तो अगर वो खोले तो हमारा सिस्टम उन फाइल्स को डाउनलोड ना करना शुरू हो जाए ताकि हमारे सिस्टम में वो वायरस ट्रैवल कर ले। तो वो स्पैम प्रोटेक्शन वायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, और ये हमें डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम ज़्यादा क्या यूज़ करता है, उसके बेसिस पे हम एक बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं। बहुत सारे एंटीवायरस, जैसे हम लोगों के पास बहुत सारी कंपनीज होती हैं, नेटवर्क कंपनीज की, आपको एयरटेल लेनी है, वोडाफोन, कौन सी डिवाइस का, कौन सी कंपनी का आपको नेटवर्क यूज़ करना है, लेकिन हम वो अपने डिमांड पे डिपेंड करता है कि अगर आप कोई रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ उनका नेटवर्क अच्छा नहीं आता तो हम कौन सा कोई और चूज़ कर लेते हैं। उसी तरह ये सारे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, ये अलग अलग इनमें बेनिफिट्स हैं और आपके कंप्यूटर को कौन सा चाहिए वो उसके हिसाब से आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देते हैं। वेब प्रोटेक्शन मतलब हम लोग कभी मोस्टली जो इंटरनेट है, ऐसे अगर आपका आप कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर रहे और आपने बाहर से कोई डिवाइस उसमें अटैच नहीं किया, तो फिर वायरस आने की रिस्क बहुत कम है, क्योंकि वायरस ऐसे हवा में नहीं है जो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर इज़ नॉट अ ह्यूमन जो ब्रीथ करता है और उसके अंदर वायरस चला गया। वायरस उसके अंदर जाने के लिए या तो उसको कोई वायर से किसी दूसरे चीज़ के साथ कनेक्ट किया, किसी फ़ोन के साथ कनेक्ट किया, किसी पेन ड्राइव, कोई ऐसी चीज़ उसमें डाली, कोई CD, कोई फ्लॉपी, कुछ भी ऐसा जो इन्फेक्टेड था, या फिर हमने उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया और इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते करते हमारे सिस्टम में वायरस आ गया। तो ये दो ही ऑप्शन हैं वायरस आपके सिस्टम में ट्रैवल करने के। तो ये और इसीलिए वेब प्रोटेक्शन, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे डाउनलोड होते हैं जिसके साथ हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वायरस प्रिवेंशन की, कि आप हमेशा अपनी एप्लीकेशंस को थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपडेट करते रहें, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें, कोई भी ऐसा लिंक जो आपको ईमेल में आ जाता है या फिर अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट का लिंक आ जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ऐसी कोई भी अननोन ईमेल जिसको हम स्पैम बोलते हैं, ऐसी कोई भी अटैचमेंट पर आप क्लिक ना करें। बैकअप योर डेटा रेगुलरली, आप अपने सारे डेटा का, जैसे लेट्स सपोज हम हर चीज़ की मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं, तो ऐसे ही आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा का कुछ बैकअप प्लान बना के रखें, कोई हार्ड ड्राइव कुछ कहीं स्टोर करके रखें कि इन केस आपका कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो आप लूज़ नहीं करते। और कोई अच्छा एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखें और वो एंटीवायरस को हर थोड़े टाइम के बाद अपने PC उसके साथ स्कैन करते रहें। तो अगर आप एक रेगुलर स्कैन करेंगे अपने
कंप्यूटर को तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आपके सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर एंटी सॉरी वायरस आ जाएगा. अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया बहुत तरह के होते हैं. वन इज स्टैंड लोन एंटीवायरस. स्टैंड लोन एंटीवायरस कि आप उसको खरीदते हैं और वो आपका एक डिवाइस, लेट्स सपोज मैंने उसको खरीदा और अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, अब वो आपका स्टोर प्रोटेक्ट करेगा आपके कंप्यूटर को. तो जैसे अवेस्ट फ्री एंटीवायरस या ऐसे जो भी एंटीवायरस आते हैं, स्टैंड लोन मतलब वो एक ही मशीन पर काम करेगा. इंटरनेट सिक्योरिटी सूट्स ऐसे प्रोटेक्शंस हैं जो हमें इंटरनेट सिक्योरिटी सूट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो हमें फायरवॉल्स दे देते हैं. फायरवॉल एक ऐसी चीज़, फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, फायरवॉल एक ऐसी टर्म है कि फायरवॉल का क्या पर्पस होता है. तो फायरवॉल आपको प्रोटेक्ट करती है जो भी हमारे इंटरनेट से इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक आता है उनको सिक्योरिटी के रूल्स के बेसिस पे वो आपको प्रोटेक्ट करती है. तो इट प्रोटेक्ट्स नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स. तो ये बहुत तरह की फायरवॉल्स होती हैं, जैसे हार्डवेयर फायरवॉल्स, पर्सनल फायरवॉल्स, नेटवर्क फायरवॉल्स. तो बेसिकली फायरवॉल आप एक ऐसी चीज़ सोच सकते हो कि अगर आपको कुछ इमेजिन करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से हर चीज़ को क्रॉस होके आना पड़ेगा. जैसे अगर मेरे सिस्टम में कुछ भी आएगा, अगर फायरवॉल इंस्टॉल है तो वो फायरवॉल को क्रॉस करके आएगा. तो फायरवॉल पहले ही स्कैन कर लेगी कि जो अंदर आ रही है चीज़ वो बिल्कुल ठीक है. तो दिस इज़ अ फायरवॉल. और कुछ इंटरनेट सिक्योरिटी सूट्स हमें फायरवॉल्स देते हैं. एंटी स्पैम, स्पैम मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसी ईमेल जो अनकैटेगराइज्ड है उसको हम स्पैम बोलते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करती है. क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस इज क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रियल टाइम स्कैनिंग करता है. आप कहीं पे भी हो, इट्स नॉट, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, वो कहीं पे इंस्टॉल है, बस आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और नेटवर्क बेस्ड, लेट्स सपोज आपके आप एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं जिसमें 20 कंप्यूटर और आप चाहते हो कि एक ही एंटीवायरस सारे सिस्टम्स को स्कैन करें, तो दैट इज़ अ नेटवर्क बेस्ड एंटीवायरस जिसको आप यूज़ करके सारा नेटवर्क इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो. या फिर एक एंटी वायरस ऐसा जो कि मेरे घर के जितने भी डिवाइसेज हैं, मतलब इंक्लूडिंग माई फोन, माई लैपटॉप, माई PC, वो सबको प्रोटेक्ट करे. तो दैट इज ओके. ना हाउ डू दे वर्क, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं. तो इनकी ये जो ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको भी कोई बनाता होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या लोग जो जिनको ये काम आता है. तो उनकी अलग अलग मेथड्स हैं एक ही चीज़ को बनाने के. कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन यूज़ करते हैं. सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन का मतलब है कि उनके पास एक बिल्कुल सेफ डेटाबेस ऑफ फाइल्स पड़ा है और वो जो नई फाइल्स हैं वो अपनी पुरानी सेफ फाइल्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं और देखते हैं कि अगर तो दोनों चीज़ें सही हैं, मतलब जो मेरे पास है वही सिस्टम में है, दैट मीन्स इट्स ओके. अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई ऑल्टरकेशन हैं फाइल्स में, तो मतलब वो हाईलाइट कर देंगे कि आपके सिस्टम में कोई वायरस है. ह्यूरिस्टिक एनालिसिस एनालिसिस कोड बिहेवियर टू डिटेक्ट अननोन वायरसेस. तो उस वो एक ऐसा मेथड है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जिसमें वो कोड का बिहेवियर चेक करते हैं. वो बैकएंड पे वो कोड को रन करते रहते हैं अपने आप और देखते रहते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो कुछ रिलेट कर रहा है वायरस के साथ. बिहेवियरल डिटेक्शन, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मॉनिटर करते रहते हैं सिस्टम का बिहेवियर. वो बैक एंड, क्योंकि जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आप अपने कंप्यूटर में डाल लेंगे तो वो आपको नहीं नजर आएगा वो चल रहा है, लेकिन वो अपना काम करता रहेगा, वो कंप्यूटर से लगातार कुछ ना कुछ चेक करता रहेगा. तो जब वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं तो वो देखते रहते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमें, जो कोड अनयूजुअल बिहेव कर रहा है. अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फ्लैग कर देते हैं कि कुछ हमें सही नहीं लग रहा, आप एक बार स्कैन कराओ अपना PC. सैंडबॉक्सिंग, वही वो अपने सिस्टम में अपनी तरफ से फाइल्स रन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट वही आ रहा है. अगर वो आउटपुट एक्सपेक्ट जो कर रहे होते हैं वो नहीं आता तो उनको पता लग जाता है कि सिस्टम कुछ वैसा नहीं वर्क कर रहा जैसे इसको करना चाहिए था. दैट मीन्स देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग, कुछ वायरस है. तो ये सारी तरीके हैं, अलग अलग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं.